जीव दया भारत का सेवा ही बस काम है, सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है, सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अर हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है, साधर्मी का बने सहारा बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है, सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अर हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है, सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है, सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है, सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है, पुण्य के भागी बन जाओ ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है, सहभागी बन पुण्य कमा लो सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार यूएसए। वैराग्य शतक नाम के ग्रंथराज से कुछ गाथाओं को पढ़ते हुए उन गाथाओं के अर्थों के साथ ही अपने भावों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। गाथा नंबर 23, 24, 25 पढ़ते हैं।
नसा जाई नसा जोनी न तम ठाणम न तम कुलम न जाया न मुवाजथ सव्ये जीवा अनंत सो तम किंपि नत्थि ठाणम लोए बालग कोडि मे तंपि जत्थन जीवा बहुसो सुह दुख परम परम पत्ता सब्बाओ रिद्धियो पत्ता सव्ये विषयण संबंधा संसारे ताविरमसु तत्तो जय मुड़सिया पाड़म। यहां कहा जा रहा है गाथा नंबर 23 में नसा जाई नसा जोनी। एक तरह से देखा जाए प्राकृत में दो तरह के छंदों का प्रयोग किया जाता है। एक गाथा छंद होते हैं जिन्हें आर्या छंद के नाम से कहा जाता है, जो गाथाओं के रूप में बोली जाती हैं, और कुछ श्लोक जैसे भी छंद बनते हैं जिन्हें अनुष्टुप छंद कहा जाता है। संस्कृत में जिस तरह से 32 अक्षरों का एक श्लोक होता है जिसमें प्रत्येक पद में 8-8 अक्षर होते हैं, तो ये जो सामने गाथा नंबर 23 है ये गाथा की तरह नहीं है, ये श्लोक की तरह है, इसलिए इसको पढ़ने में थोड़ा अलग सा लग रहा था। श्लोक पढ़ते हैं ना, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। ये क्या है, ये श्लोक की लय है ना। तो ज्यादातर प्राकृत के ग्रंथों में गाथाएं होती हैं, लेकिन कहीं कहीं श्लोक रूप छंद भी हो जाते हैं जब उनमें हर एक पद में 8-8 अक्षर दिखाई दे रहे हों। देखिए इस 23वें छंद के पहले पद में भी 8 अक्षर हैं, नसा जाई नसा जोनी, है ना, न तम ठाणम न तम कुलम, न जाया न मुयाजथ सब्बे जीवा अनंत सो। तो ये क्या हो गया, ये श्लोक की लय हो गई। वीतराग मुखम दृष्ट्वा, इस तरह के श्लोक पढ़ते हो ना, दर्शनम देव देवस्य नमः श्री वर्धमानाय, इसी तरह के ये श्लोक की लय में ये प्राकृत का छंद है। तो इसमें कहते हैं ऋण माने नहीं, सा माने वह, जाई माने जाति, वह जाति नहीं है, ऋण सा जोनी और वह योनी भी नहीं है, न तम ठाणम न वह स्थान है, न तम कुलम और न वह कुल है। क्या नहीं है, वह योनी वह जाति वह स्थान वह कुल नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं है, वो अगली लाइन से स्पष्ट होगा। न जाया न मुया जत्थ, जत्थ माने जहां, प्राकृत पढ़ने वाले लोग भी यहां पर कुछ कुछ तैयार हो रहे हैं सतना में, खबर आ रही है आगे के दिनों में परीक्षा है, महाराज आप पढ़ा दो, जब पढ़ने का टाइम आता तब पढ़ते नहीं हो, अलग से बैठ के पढ़ा दो, सुन रहे हैं कि नहीं पढ़ने वाले।
तो ये जो छंद है, इन छंदों की अर्थ जो हम सीखते हैं, इनका हम छोटा छोटा सा व्याकरण भी समझ करके हम प्राकृत को समझ सकते हैं। जत्थ माने जहां न जाया, ना तो वह उत्पन्न हुआ हो, न मुया और न मरा हो, है ना। यानी ऊपर वाली लाइन का संबंध इस लाइन से है, और ये कहा जा रहा है कि इस संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर यह जीव जन्म ना लिया हो, जहां पर यह जीव मरण को प्राप्त ना हुआ, जहां पर इसकी जाति माने उत्पत्ति ना हुई हो, जहां पर जत्थ शब्द सबके साथ जोड़ लेना जत्थ, जहां पर इसके लिए योनि स्थान ना मिला हो या उत्पत्ति इसकी ना हुई हो, ऐसी कोई योनि नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं जहां पर ये उत्पन्न ना हुआ हो, जहां पर ये मरण ना किया हो, ऐसा कोई स्थान नहीं लोक का जहां पर इस जीव ने जन्म ना लिया हो, जहां पर ये मरण ना किया हो, और ऐसा कोई कुल भी नहीं बचा, कुल जहां पर ये जीव न जन्म लिया हो न मरण लिया हो, ऐसा कोई कुल भी नहीं है। तो ये यहां पर बताया जा रहा है। नीचे वाली लाइन का जो तीसरा पद है उसे ऊपर के साथ में जोड़ करके आपको अर्थ निकलेगा। यानी ऐसा कोई भी जाति नहीं है जहां पर यह जीव जन्म ना लिया हो, मरण ना किया हो। समझ आ रहा है? जाति होती है, कुल होते हैं, जाति और कुल में अंतर बताया जाता है। जानते हैं आप लोग जाति में और कुल में क्या अंतर होता है? मां के पक्ष की जो चीज होती है, मातृ पक्ष है जाति, माता के पक्ष की जो परंपरा होती है, मां का जिससे एक परंपरा चलती है, संतति चलती है, वो कहलाती है जाति। और पितृ का जहां से पक्ष चलता है, पिता पक्ष से जो चला आता है, वो कहलाता है कुल। समझ आया? जब किसी भी जीव का जन्म होगा तो उस जीव के लिए एक मातृ पक्ष होगा, एक पितृ पक्ष होगा। तो उसके सामने जो मां की परंपरा होगी, यानी मां जिस घर की बेटी होगी, उनके जो पिता होंगे, उन पिता के जो पिता होंगे, एक उनकी परंपरा होगी, तो वो कहलाएगी उनकी जाति, उस बच्चे की जिसके लिए वह मां की जाति मिलेगी। और एक वह होगा जो पिता की तरह देखा जाएगा, पिता की ओर से देखा जाएगा, पिता के पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनकी एक वंश परंपरा चल रही है, तो उसको कहा जाता है कुल परंपरा। समझ आया? तो ये जाति में और कुल में अंतर होता है। तो जब कोई बच्चा उत्पन्न होता है किसी घर में, तो उसे अगर वो पुत्र होता है तो कहा जाता है कि भाई ये कुल दीपक हो गया। उसका एक कारण है, वो यूं ही नहीं कहा जाता, उसके पीछे का जो सिद्धांत है वो आपको समझना चाहिए। कुल दीपक है क्योंकि वो कुल दीपक इसलिए है क्योंकि इस कुल को आगे बढ़ाने के लिए, कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए वह पुत्र ही काम आएगा। पुत्री का तो विवाह हो जाएगा, वो तो दूसरे घर में चली जाएगी। तो उस पिता के यहां पर अगर पुत्री उत्पन्न हुई है तो उससे उसकी पिता की संतति आगे नहीं बढ़ेगी, उसका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। उस आगे वंश को बढ़ाने वाला कौन होगा? तो पुत्र होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि पुत्र जो है वंश की वृद्धि वाला होता है, वंश बढ़ाने वाला होता है, या कुल दीपक होता है, कुल को आगे बढ़ाने वाला होता है। क्योंकि जो पिता के पिता की जो परंपरा चली आ रही है उसको बढ़ाने वाला पुत्र होगा। पुत्री जो होती है वो जिस घर में जाएगी, उस घर में जाकर के उसका गोत्र बदल जाता है, फिर वह उसी घर की कहलाएगी, उसी गोत्र की कहलाएगी जिस घर में वो चली गई। अगर वह जैनों में भी अनेक तरह के गोत्र होते हैं, या जैनों के बाहर भी कहीं अगर वो चली गई, तो उसका वह जो गोत्र है, जो उसकी अपनी जाति है, वो बदल जाएगी। अगर वो जैनों से अजैन में चली गई,
तो उसकी जाति बदल जाएगी। फिर वो अपने भीतर भले ही जैन धर्म रखे रहे लेकिन उसकी जाति बदल गई, क्योंकि उसके नाम के आगे क्या लगेगा? जैन नहीं लगेगा। विवाह से पहले तो उस लड़की के नाम के आगे जैन लगेगा, लेकिन उस लड़की का विवाह अगर कहीं दूसरी जाति में हो गया, जैनेतर में हो गया, तो फिर उसके नाम के आगे जैन नहीं लगेगा, क्योंकि उसे अपने नाम के आगे वो लगाना पड़ेगा जिसके साथ उसका संबंध हुआ है। पति अगर गुप्ता मिला तो उसे भी गुप्ता लिखना पड़ेगा, पति अगर राजपूत मिला तो उसे भी राजपूत लिखना पड़ेगा, पति अगर सैनी मिला तो उसे भी सैनी लिखना पड़ेगा, अगर उसने नेमा से विवाह कर लिया तो उसे अपनी नाम के आगे नेमा लिखना पड़ेगा, या वो नेमा के नाम से ही पहचानी जाएगी, भाई ये नेमा के घर में गई अभी, समझ रहे हो ना, सोनी नेमा अनेक अनेक तरह की जातियां हैं। तो जाति बदल गई उसकी, तो वह लड़की जो होती है, बेटी जो होती है, वो कभी कुल परंपरा को बढ़ाने वाली नहीं बन पाती, क्योंकि कुल परंपरा को वो बढ़ाता है जो पुत्र होता है, और पुत्र के लिए किसी भी जाति की अगर पत्नी मिल जाती है, मान लो उसका किसी जैनेतर जाति में भी विवाह हो जाता है और बहू कोई दूसरी जाति की भी आ जाती है, तो पुत्र के लिए जैनत्व नहीं छूटेगा, पुत्र की वह परंपरा वही चलेगी जो पिता की परंपरा है, वो उसकी कुल परंपरा कहलाएगी, इसलिए उसको कुल दीपक कहा जाता है, आगे कुल को प्रकाशित करने वाला यह पुत्र है। तो यह जो एक सामाजिक सिद्धांत है, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए यह बेटा और बेटी के बीच में एक विभाजन बनता है, और यह विभाजन समझना भी चाहिए, हमें यूं ही उल फजूल बातों में आकर के हर तरह से बेटा बेटी एक होते हैं, एक होते हैं प्यार की अपेक्षा से, है ना, चाहे बेटा को प्यार करो चाहे बेटी को प्यार करो, एक ही बात है, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, बेटा बेटी बड़े होंगे, तो उनके जो अपने अपने विवाह आदि के उपरांत जो उनकी स्थितियां बनती हैं, उनमें निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। तो बेटा बेटी एक कथनचित इस बात से होते हैं कि भाई ये बेटा भी अपने से उत्पन्न हुआ है, बेटी भी अपने से उत्पन्न हुई, तो बेटा बेटी एक हैं। लेकिन बेटी हमेशा अगर वो जिस जाति में विवाह करेगी वो उसी जाति की बन जाएगी, भले ही वह अपने मन में सोचती रहे कि मैं जैन धर्म का मान पालन करूं, मैं जैन धर्म को मानूं, मैं तीर्थंकरों की आराधना करूं, अब वो अपने मन मन में कर पाए, लेकिन वो खुल करके दिखा करके तब कर पाएगी जब उसके घर के लोग उसे अनुमति देंगे। और ये पराश्रितता आज भी देखने को मिलती है, चाहे हम कितनी भी पढ़ी लिखी समाज होने का दावा करें, ये सब पराश्रितताएं आज भी हैं और ये बनी रहेंगी। इसलिए कोई भी बेटी जब अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में चली जाती है तो वह अपना धर्म स्वतंत्रता से पालन नहीं कर पाती, वह और ज्यादा पराधीन हो गई, न केवल पति के ऊपर पराधीन होती है लेकिन पति के जो भी जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनके प्रति भी वो पराधीन हो जाती है। मान लो पति ने तो कह दिया ठीक है तुम अपना धर्म यहां पर भी आकर के कर लेना, अब जब वो वहां पर धर्म करने के लिए तैयार हुई तो उस पति की बहन है जो उसकी क्या कहलाएगी, ननद, अब वो नहीं चाहती है, तू वहां महाराज के पास क्यों जाती है, तू जैन मुनियों के पास क्यों जाती है, तू जैन मंदिर में क्यों जाती है, तू ये वाले शास्त्र क्यों पढ़ती है, ये क्यों नहीं पढ़ती है, अगर मान लो उसके दिमाग में चढ़ गया तो वो टोंकती रहेगी, तो वो धर्म स्वतंत्रता से नहीं कर पाएगी। कहीं माता पिता को अच्छा नहीं लगे कि भाई तेरे कारण से हमारी नाक कटती है कि देखो इनकी बहू है और वहां जाती है यहां नहीं आती है, कहीं वो सम्यक दृष्टि मिल गई चेलना जैसी तो आफत हो जाती है, नहीं समझ आया, अब वो चेलना तो चेलना ही है, तो वह चेलना हर स्त्री चेलना नहीं हो सकती है और ना हर इतनी स्त्री अपनी इतनी परिस्थितियों को फेस कर सकती है कि पति बिल्कुल विपरीत जा रहा हो, बौद्ध बन रहा हो और उस पति को बिल्कुल जो है वह समझाते समझाते बौद्ध साधुओं से भी भिड़ते भिड़ते उनकी भी परीक्षा लेते लेते पति को नाराज करते करते भी इस स्थिति तक पहुंच जाए
कि पति भी एक दिन नाराज होकर के मुनि महाराज के ऊपर उपसर कर दे और उसके बावजूद फिर उसके लिए ये समझ में आ जाए कि नहीं, धर्म यही है, सच्चाई यही है, तो इतना होने में बहुत देर लग जाती है। ऐसा हर किसी के साथ नहीं हो सकता, हर व्यक्ति वो नहीं बन सकता है जो हम सुनते हैं। आदर्श हमारे सामने हो सकते हैं, ना हर व्यक्ति चेलना बन सकती है और ना हर व्यक्ति जो है कोई भरत और बाहुबली बन सकता है। हमारे सामने जो ये पौराणिक उदाहरण होते हैं ये हमें कुछ प्रेरणा देने के लिए होते हैं, ये हमें कुछ हमारे धर्म को सुरक्षित करने के लिए काम में आ सकते हैं, लेकिन हम कभी कभी इन भावों में बह जाते हैं कि हम भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएं, तो ऐसा हो नहीं पाता है। और कई बेटियां परेशान हो जाती हैं जब वो ऐसा होने की सोचती हैं। तो मान लो रानी चेलना की कहानी बहुत दिनों से सुन रही हैं, कहने लग जाएं कोई बेटियां, महाराज मुझे तो उस बौद्ध से शादी करनी है, मुझे तो उस राजपूत से शादी करनी है। अब आप क्यों रोक रहे हो, आप ही ने तो कहा था राजा श्रेणिक बौद्ध था, फिर भी रानी चेलना ने शादी कर ली थी ना, और फिर उसने उसको धर्मात्मा बना दिया था, ऐसे ही हम भी उसको जैन धर्म का धर्मात्मा बना देंगे। अब यही तर्क देने लग जाएं बेटियां इसी कहानी को सुन करके, तो उनके मन में ये भाव तो आ जाएगा, ये उनके बचाव के लिए उदाहरण तो बन जाएगा, लेकिन क्या तुम में रानी चेलना जैसी दृढ़ता है? और अगर नहीं है तो फिर आपके लिए वो परेशानी आगे बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा युद्ध बन जाता है ये, धर्म युद्ध कहलाता है। युद्ध का मतलब लड़ते रहना, बार बार हवाई फायर जैसे करके युद्ध के लिए उकसाया जाता है, वैसे ही हवाई फायर करते रहना। तो बार बार जब कोई भी मुंह से वचन निकलेंगे, बार बार कहा सुनी होगी, बार बार कलह होगा, बार बार वो युद्ध की स्थिति बनेगी, तो एक घर में धर्म युद्ध शुरू हो जाता है, कौन सही कौन गलत, तुम इसको क्यों नहीं मानते, तुम इसको क्यों मानते हो, तो इस तरह का जब वातावरण बनने लग जाता है तो ये भी एक धर्म युद्ध कहलाता है। अब इस धर्म युद्ध का अंततः परिणाम जो निकले वो निकले, लेकिन जब अंत नहीं होता है तो कई बार अपने जीवन का अंत हो सकता है और उस परिणाम को जो अंत में निकलना है वो ना निकले, ये अपने हाथ की बात तो है नहीं। राजा श्रेणिक ने तो चलो जो कर लिया कर लिया, रानी चेलना के कारण से उसके लिए राजा श्रेणिक के लिए समझ में आ गया और उसने जो है अपनी श्रद्धा दिगंबर मुनि महाराजों के प्रति बना ली। बहुत बड़ा उपसर्ग करने के बाद यह संभव हो पाया। अब ऐसा हर किसी के साथ तो हो नहीं सकता। तो जीवन में जब कोई भी निर्णय लिए जाते हैं तो उनमें केवल हम किसी उदाहरणों में अपने को ना देखें कि मैं ऐसा बन गई हूं या मैं ऐसा बन जाऊंगा, उदाहरण में अपने को प्रविष्ट ना करा लें, बल्कि उन उदाहरणों से जो अपने लिए अच्छी फायदे की चीजों उतना सीखें, और फायदे की जगह अगर आपने नुकसान की चीज ग्रहण कर ली कि मैं भी रानी चेला की तरह उसको धर्मात्मा बना लूंगी, और जब विवाह होने से पहले की बात होती है तो हर कोई धर्मात्मा बनने के लिए तैयार भी रहता है, लेकिन बनने के बाद जरूरी नहीं है कि वो अपनी बात पर 100% कायम रहे। सत्य महाव्रती तो कोई होता नहीं है कि हमने जैसा कह दिया वैसा ही किया जाएगा, लेकिन बेटियां होती हैं बातों में आ जाती हैं, और जिस समय पर उनके अंदर किसी से कोई भी तरह का अगर मोह हो जाता है तो वे उसकी हर बात पर विश्वास करती हैं, ये उनका भोलापन होता है, और इसी कारण से वो अपने निर्णय बदल नहीं पाती या ये सोच नहीं पाती कि हम कभी ये सोच करके देखें कि हमारे वहां जाने पर हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी। उन्हें वो नहीं दिखता, उन्हें उसके साथ रहने का एक मोह दिखाई देता है। तो इसी कारण से कई बार संबंध जो है अन्य जाति में जब हो जाते हैं तो वो अनेक तरह की दिक्कतों के कारण बन जाते हैं। इसलिए जाति कुल के बीच में पुत्र और पुत्री का, बेटा या बेटी का जो एक विभाजन है वो सबके दिमाग में होना चाहिए कि बेटा बेटी एक हैं, इसलिए आप एक जैसी पढ़ाई कर लो,
एक जैसा घर में खाओ पियो, एक जैसी आपके लिए सुख सुविधाएं हैं, एक जैसा आपके लिए स्कूल कॉलेजों की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आगे चल करके बड़े होने के बाद में आप एक जैसे नहीं रह पाओगे। कुलदीपक बेटा ही बनेगा, बेटी नहीं बन पाएगी। या तो वो तब बन पाएगी जब वो विवाह ही ना करे। अगर एक दूसरा ऑप्शन है तो फिर ये है, ब्राह्मी बन जाए, सुंदरी बन जाए, भगवान आदिनाथ की पुत्रियों की तरह, तब चल पाएगा। पिता की विरासत को आगे बढ़ाना, पिता की विरासत को आगे बनाए रखना, ये संभव नहीं होता बेटियों के लिए। पिता अपने हिस्से का बेटियों के लिए दे जरूर देगा, लेकिन बेटियां कभी पिता की विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाती हैं। उसको बढ़ाने के लिए तो पुत्र ही होना पड़ेगा। अब आप कहो कि बेटा और बेटी में अंतर क्यों, तो ये आपके दिमाग में एक जो मोह चढ़ा दिया जाता है कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होता है, इसे भी एकांत रूप से नहीं समझना चाहिए। बेटा बेटी में भी बहुत बड़ा अंतर होता है, और ये अंतर आपको तब महसूस होगा जब आप जिंदगी के 30 साल 25 साल जी लोगे। 25 साल 30 साल तक बेटा बेटी सब बराबर हैं, पिता माता सब उनका एक जैसे पालन कर लेते हैं, लेकिन बाद में पिता को पता पड़ता है, महसूस होता है कि हमारी कुल परंपरा के लिए पुत्र का ही होना आवश्यक है। इसलिए जाति में और कुल में अंतर होता है। तो यहां मुद्दे की बात यह है, यहां तो यह बताया जा रहा है कि दुनिया में हर जीव के लिए ऐसा कोई स्थान नहीं बचा, ऐसी कोई योनि नहीं बची, ऐसी कोई जाति नहीं बची, ऐसा कोई कुल नहीं बचा जहां पर सभ्य जीवा सभी जीव अनंत सो माने अनंत बार न जन्मे हो या न मरे हो। न जन्मे न मरे का मतलब ऐसा नहीं कि जन्म ही नहीं लिए या मरे ही नहीं, नहीं समझे, ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं ना तो फिर हरेक बात का अलग से अर्थ निकालने लग जाते हैं लोग, नहीं समझे, माने वो जन्म ही नहीं लिए मरे ही नहीं। और आप कह रहे हो कि वहां पर न जन्म लिए हो न मरे ना हो ऐसा कोई स्थान नहीं, दोनों में अंतर है कि नहीं। अगर वो जन्म नहीं लिया मरा ही नहीं तो कहां रहा, फिर आकाश में रहा कहीं, लटका रहा कहीं, भूत प्रेत बना रहा क्या बना रहा। जन्म हमेशा जीव का होता है, मरण हमेशा जीव का होता है, तो ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर यह जीव जन्म ना लिया हो, यानी कोई भी ऐसा स्थान नहीं बचा जहां पर इसका जन्म न हुआ हो, और कोई भी ऐसा स्थान लोक में बाकी नहीं जहां इसका मरण न हुआ हो। इस तरह से यह जन्म और मरण के बीच की जो संतति है यह निरंतर चलती रहती है, और हर जीव के लिए यह कहा गया है। सभ्य जीवा माने सब जीव आ गए इसमें, कोई बचने वाला नहीं है, समझ में आ रहा है, पढ़ने वाला भी पढ़ाने वाला भी, यहां तक कि तीर्थंकर भी जो हमें ये ज्ञान दे करके जाते हैं वे भी इससे पहले इसी तरह के इन्हीं अनंत जीवों में शामिल होते हैं, क्योंकि वो भी यही अनादि संसार में परिभ्रमण करते हुए अनंत काल व्यतीत करने के बाद ही कोई तीर्थंकर बनते हैं। तो ये बात सबके लिए घटित होती है, सभी जीव अनंत बार हर एक जगह पर जन्म ले चुके हैं, मरण को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए यहां कहा जा रहा है कोई भी ऐसा स्थान नहीं है। आगे उसी की और डिटेल करते हुए कहते हैं दूसरी गाथा में कि तम किंपि नत्थि ठाणम लोए बालग कोड़ी मित्तम्पि। बालग कोड़ी मित्तम्पि माने बाल का अग्रभाग, बाल के आगे का हिस्सा कितना पतला होता है, जो उसकी नोक जिसको बोलते हैं, समझ आ रहा है, इतने बराबर स्थान भी लोक में नहीं है। जत्थ न जीवा बहुसो, जहां पर यह जीव बहुत बार उत्पन्न मरण न किया हो और सुख दुख की परंपरा को प्राप्त न किया हो, लोक में कोई स्थान बाकी नहीं बचा है, इतने जन्म इतने मरण हो चुके हैं। अब आप सोचोगे कि ऐसा कहने का प्रयोजन क्या है, इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, इससे हमारे भावों में क्या परिणति आ रही है,
अगर आप इस तरह से अपने मन में विचार करोगे तो आपको महसूस होने लगेगा, क्या इतने जन्म इतने मरण हो गए हैं, अगर ये आपके दिमाग में बैठ जाए, बार बार बिठाने की कोशिश की जा रही है, रोजाना वही वही भाव एक जैसा आ भी रहा है तो भी आपको रोजाना नया नया लग ही रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा? यही बात हमने परसों सुनी थी महाराज, यही बात आप कल कह रहे थे, यही बात आप 3 दिन पहले कह रहे थे, लग रहा है कि आपको ऐसा नया नया लग रहा है ना? लगेगा ही, रोटी वही होती है, नहीं समझ में आया? वही से मतलब आटे की ही तो होती है, दाल वही होती है मूंग की और अरहर की, और सब्जी भी वही होती है लौकी की और परवल की, लेकिन हर रोज जब खाते हैं तो नई नई से तो लगती है, लगती कि नहीं लगती? इसी तरीके से जो ज्ञान हमें दिया जा रहा है वो भले ही एक जैसा हमें लग रहा हो, ये वही दाल है, ये वही रोटी है, पिछले पन्नों में पढ़ोगे तब भी वही बात थी, आज भी पढ़ रहे हैं तब भी वही बात है, लेकिन नया नया इंटरेस्ट आपको क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ आ रहा है? यही हमारे लिए नयापन होता है। और ऐसा सोचते सोचते जब हमारे दिमाग में ये आने लग जाता है, इतने जन्म हो गए इतने मरण हो गए, अब इस एक जन्म में एक मरण में हम क्या कर सकते हैं? अब अगर कभी हमारे सामने कोई ऐसी स्थिति बन जाती है जब हमें लगे यहां से तो मरना ही अच्छा है, नहीं समझ आया? ऐसे जीवन से तो मरना ही अच्छा है, ऐसा भी कभी कभी समय आता है किसी किसी के जीवन में। कैसे आ जाता है? किसी भी कारण से आ सकता है। मान लो आपने अपने जीवन के 40 वर्ष अच्छे से बिता लिए, तब तक आपको नहीं लगा कि इससे तो मरना ही अच्छा है, लेकिन 40 वर्ष के बाद में कोई ऐसी घर में बहू आ गई जो आपकी नाक में दम कर दी उसने, नहीं समझ आया? अब नाक में जब दम हो गई तो फिर क्या हो गया? फिर लगने लगेगा क्या इससे तो आती नहीं, सो अच्छा था, अब आ गई, अब वो जाने को तैयार नहीं है, नहीं समझ आया? सब संभावनाएं कुछ भी बन सकती हैं। कई कई बहुएं ऐसी होती हैं जो खुद कह देती हैं नहीं चलो ठीक है हमसे बन नहीं रही है, हम अलग रहना चाहते हैं। कई कई बहुएं ऐसी होती नहीं रहेंगे तो हम सासू के साथ ही, सासू कहती नहीं तू अलग हो जा, नहीं अलग नहीं होंगी, तू मेरी माँ है, तू मेरी सासू माँ है, तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी, तो ऐसा लगता है सासू मुझे मेरे प्राण ही ले लेगी। अब ले लेगी तो ले लेगी, अब क्या करेगी सासू? तो भंग कुछ भी बन सकते हैं, कोई एक तरीका नहीं है दुनिया में जीवन जीने का, या एक तरीके से कभी कोई जिंदगी नहीं चलती। कोई जरूरी नहीं है कि सास और बहू अलग हो जाए तो समस्या का समाधान हो जाए, कभी कभी बहू चाहती है और कभी कभी बहू नहीं, मैं सास को छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं रहूंगी तो सास के साथ ही रहूंगी और उसकी नाक में दम की रहेगी, उसकी बात नहीं मानेगी, उसके काम नहीं करेगी, और फिर भी मैं सासू को छोड़ूंगी नहीं। अब क्या करोगे? अब सासू की जब इस तरह से नाक में दम होगी तो सासू को कभी ना कभी लगने लग जाता है इससे तो मरना ही अच्छा है। अब मर भी नहीं सकते तो क्या करें? तो उस समय पर ये गाथाएं याद करें। समझ आ रहे हैं? मर के कहां जाओगे? संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर हम अनंत बार पहले मरना चुके हो, अब नया मर के कहां चले जाओगे, कहां नया जन्म ले लोगे? तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर हम पहले अनंत बार जन्म ना लिए हो, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर हम पहले अनंत बार मर ना चुके हो। जब ये याद आ जाएगा तो आपके अंदर फिर एक ज्ञान का भाव उत्पन्न होगा। सासू का तो एक उदाहरण दे रहा हूं, किसी भी परिस्थिति में जब आपको लगने लग जाए, चाहे वो पुरुषों के लिए हो, कोई बहुत लंबा घाटा हो जाए, जब आदमी को लगने लग जाता है हमें अपने परिवार का पालन कैसे करूं, कैसे कर पाऊंगा, क्या सोचे? उस समय पर यही ज्ञान काम आता है। मरना किसी समस्या का समाधान नहीं है, जन्म मरण तो हमारे इस दुनिया में अनंत बार हो चुके हैं, लेकिन इस बात को याद करके अपने मन में एक ज्ञान का भाव ला करके एक प्रसन्न भाव लाना, ये ज्ञान की बात होगी।
कौन सा भाव कहलाता है? प्रसम भाव। ये नाम आपने सुना कभी? ये ज्ञान हमें प्रसम भाव की ओर ले जाता है। प्रसम माने अरे भाई ये क्लेश लेश तो ऐसे अनंत जन्मों में अनंत बार हो चुके हैं, इन क्लेशों में अपने को जिंदगी नरक नहीं बनाना है, जिसको जो करना है करने दो, अपने को तो ये अच्छा लगता है सुनना। क्या ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसा कोई कुल नहीं जहां पर इस जीव ने अनंत बार जन्म मरण ना किया हो। तो दुनिया में रहना है तो कहीं भी दूसरा जन्म भी ले लेंगे तो यही दुख फिर मिलेंगे। सुख दुख की ये परंपरा कभी भी जीव से छूटी नहीं, कभी सुख मिला कभी दुख मिला, ये चलता ही रहता है। इसलिए सबसे अच्छी बात क्या है? जो मिला है उसमें शांति रखना। अब सासू अगर बहू से क्लेश करके और ये अपने आप में क्लेश करती रहे कि नहीं ये बहू यहां से चली जाए, ये मायके चली जाए, ये मर जाए, तो फिर ये सासू की अज्ञानता कहलाएगी। कब तक तुम दूसरों के लिए बुरा सोचोगे? तुम्हारा अपना सोच ही तुम्हारे जीवन में सुख दुख देगा। और ऐसे सुख दुख की परंपरा तो अनंत काल में जहां पर भी हमारे जन्म हुए हैं तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ये सुख दुख हमारे साथ ना रहे हों। हमेशा सुखी हमेशा दुखी कोई नहीं रहता, सुख दुख हमेशा चलते रहते हैं। मनुष्य पर्याय में, त्रियंश पर्याय में ये विशेष रूप से सुख दुख की परंपरा चलती रहती है। तो आप बच के जाओगे कहां? लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं, कोई ऐसी कुल नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं जहां एकांत रूप से सुखी सुख हो, ऐसा कहीं नहीं होता। इसलिए सबसे अच्छे ज्ञान की बात इस ज्ञान से ये निकल करके आती है कि इस तरह के वैराग्य भावना का चिंतन करते हुए हमारे अंदर जब राग की कमी होती है तो एक सम भाव उत्पन्न होता है। क्या बोलते हैं इसको? सम। उसी में जब प्रा और लग जाता है तो वो अच्छा और उत्कृष्ट सम भाव हो जाए तो वो प्रसम भाव कहलाता है। सम का मतलब शांति। शांति कहां से आएगी? शांति बहू से नहीं आएगी, ना बहू से शांति आएगी, ना बहू से क्रांति आएगी। शांति अपने मन से ही आएगी, अपने ज्ञान से आएगी, अपने अंदर के परिणामों से आएगी। तो ये परिणाम कहां से आएगा? ये परिणाम ऐसे ग्रंथों का स्मरण करने से आएगा, ऐसे ज्ञान का स्मरण करने से आएगा। अरे भाई ये सब तो अनंत बार हो चुका। मानो कि आप अगर ये बात सीख जाओ और जब भी कोई आपके सामने कुछ भी नया घटित हो तो आप कह दो भाई ये तो सब अनंत बार हो चुका, ऐसा बोल सकते हो? माने कभी आपके भाई ने आपको धोखा दे दिया, आपके लिए यही ज्ञान काम आएगा? नहीं तो आप पागल हो जाओगे, पूरी जिंदगी जी नहीं पाओगे। अगर आपके भाई ने आपको धोखा दे दिया, आपकी संपत्ति किसी भी तरीके से छल कपट करके उसने हड़प ली और आप खाली हाथ रह गए, अब आप क्या करोगे? या तो मरोगे या मारोगे, एक ही समाधान रह जाता और कुछ नहीं बचता। फिर कोर्ट कचहरी से कुछ होने वाला है नहीं, तो फिर एक ही बात आदमी के दिमाग में आती है, या मर जाऊं या सामने वाले को मार दूं। अब उस समय पर आपके जीवन में कोई शिक्षा देने वाला, कोई ज्ञान देने वाला कौन मिलेगा? और ज्ञान की बात अगर आपके दिमाग में आएगी तो कहां से आएगी? अगर आप कभी ऐसे प्रवचनों को सुन रहे होंगे तो आपको ज्ञान मिल सकता है, या आपने पहले ऐसे कभी उपदेश सुन रखे हो तो कभी आपको स्मरण में आ सकता है कि भाई मरने मारने से भी क्या होने वाला है, ये मारा मारी तो अनंत काल से होती आई है, सबने सबको मारा है, सब सबके मित्र बन चुके हैं, सब सबके शत्रु बन चुके हैं, तो क्या करना? जो है उसको शांत भाव से सहन करना। वो शांति का भाव कहां से आएगा? तो वह भाव आपको इसी चिंतन से आएगा। मेरे भाई ने मुझे धोखा दे दिया, भाई मेरे भाई ने मुझे धोखा नहीं दिया, अनंत काल में अनंत बार ऐसे भाई मुझे मिले हैं जो मुझे अनंत बार धोखा दे चुके हैं, ये कहना सीख लो। सुन रहे हो?
तुम लोगों से दिक्कत तो यही है, डॉक्टरों के पास पहुंच जाओगे लाख लाख रुपए ऑपरेशन देकर के करवा के, उन्हें लाख लाख रुपए देकर के आ जाओगे और अपाहिजों की तरह घर में पड़े रहोगे बेड पर, समझ आ रहा है। लेकिन जो औषधियां यहां आपको बताई जाती हैं दिमाग में रखने की, उन्हें आप रखते नहीं हो। ये वो औषधियां हैं जो आपको कभी भी गलती नहीं करने देंगी, आपको कभी भी परेशान नहीं होने देंगी। ये वो औषधियां हैं, अगर ये आपके दिमाग में रहेंगी तो आपका दिमाग कभी भी फटेगा नहीं। दिमाग भी कभी फटता है ना, सिर दर्द हो रहा है, दिमाग फटा जा रहा है और फिर वही फट नहीं पाता है तो फिर वो ट्यूमर बन जाता है, तो फिर वो ट्यूमर से फटता है फिर वो। ये जो दिमाग फटता है, ये दिमाग तब फटता है जब हमारे विचार हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। और उनको शांत करने का अगर कोई उपाय होता है तो ऐसे ही सदुपदेश होते हैं, यही वैराग्य के ज्ञान के उपदेश आपके काम में आएंगे। और अगर ये उपदेश उस समय पर आपको सुना दिए जाएं तो निश्चित रूप से आप लंबी बीमारी से अपने आप को बचा लोगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, USA।